फिल्म का ट्रेलर पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो क्या पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों रखी गई है? और दूसरी बात कि Z5 पर इसी सेम मुद्दे पर मधुर भंडारकर ने एक फिल्म बनाई थी लॉकडाउन, और काफी अच्छा सब्जेक्ट था, उसमें काफी स्टोरीज दिखाई गई थी, नॉट अ पर्टिकुलर अबाउट द जो इसमें दिखाया सब्जेक्ट भीड़ वाला। तो आपकी ये वाली फिल्म उस फिल्म से कितनी अलग होने वाली? सर मैंने वो फिल्म देखी नहीं है तो मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत अलग है। आई डोंट नो सर, आपने देखी है? तो आपको ट्रेलर से लग रहा होगा, आई थिंक मुझे लोगों ने बोला है कि काफ़ी अलग है आपका जो ट्रेलर है वो काफ़ी अलग है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि मैं आशुतोष की लाइन चुनाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं सर, आप ही बोली ना वो जो त्रास दी वाली, सर बहुत अच्छी बात, नहीं नहीं सर 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 की भाषा में सुनेंगे, उनके लाइन मुँह से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो भी हमारे जीवन की त्रासदी होती है, आपदा होती है या विभीषिका होती है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं, वो कभी भी रंगीन नहीं होती, वो हमेशा श्वेत या श्याम होती है। अगर आप देखेंगे तो जैसे बिग बैंग जब हुआ था तो हमें ये कहा जाता है कि धरती पर पहले गहन अंधकार था और फिर एक धमाके के साथ प्रकाश हुआ। तो जब उस आप ब्लैक एंड व्हाइट जोन से बाहर निकलते हैं तब कहीं हमारी और आपकी जिंदगी सतरंगी होती है, रंगीन होती है। तो हम जो भीड़ में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उस विभीषिका की जिसके अंतर्गत पूरी मनुष्य जाति, वह मनुष्य जिसने धरती ही नहीं चंद्रमा से लेके मंगल से लेके तमाम ग्रहों को अपने कदमों के नीचे रख लिया हो या अपने हाथ में पकड़ लिया हो, उस शक्तिशाली मनुष्य को उस कोरोना वायरस ने अपने घरों में 4x4 के दायरे में सिमटा के रख दिया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा थी मनुष्य जीवन में जो हमारे और आपके सामने निकल के आई, और उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि वो दौर जो था वो ब्लैक एंड वाइट का था। अगर आपकी कोई सतरंगी यादें हों लॉकडाउन की या कोरोना काल की तो मुझे बताइए, कि ऐसा अगर आपको लगता हो कि अगर आप उसे रंगीन याद कर सकें, मतलब हम तो नहीं कर सकते हैं।